वृत्त के कुछ प्रमेय। हमने ज्यामिति कथनों को सिद्ध करना सीखा है, अब हम वृत्त के बारे में कुछ कथनों को जो उसके गुण बताते हैं सिद्ध करने के तरीके देखेंगे। पहला कथन हम वही लेते हैं जो हमने अभी देखा। किसी वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। बच्चों, हमने अभी वृत्त को जाना, चलिए वृत्त से संबंधित कुछ और बातें करते हैं, जैसे वृत्त के गुणधर्मों की। यदि हम सबसे पहला गुणधर्म ये लें कि वृत्त की दो बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो इस गुणधर्म को हम प्रायोगिक रूप में समझ सकते हैं। चलिए इसका प्रायोगिक सत्यापन करके देखते हैं। इसके लिए हमें दो जीवाएं लेनी होंगी। सबसे पहली जीवा के लिए हमें वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लेने होंगे। तो ये देखिए, इन बिंदुओं के लिए हम इस पिन का प्रयोग कर रहे हैं और ये हो रहा है हमारा पहला बिंदु, हमने ये ले लिया ए, और ये दूसरा बिंदु हम ले रहे हैं वृत्त की परिधि पर, इसे नाम दे रहे हैं बी का। ये देखिए, वृत्त की परिधि पर दो बिंदु हमने ए और बी ले लिया। अब इससे हम बनाते हैं जीवा। जीवा बनाने के लिए हम इस धागे की सहायता से जीवा का जो रेखाखंड जीवा के लिए हमको लगेगा वो हम बना लेते हैं। ये देखिए, इसे इस प्रकार से अच्छे से फंसा लें और फिर इसे आगे बढ़ाकर बिंदु बी तक ले जाते हैं। बिंदु बी पर अच्छी तरह से इसे फंसा लेते हैं फिर से। अब आप देख सकते हैं ये ए बी जीवा हमें प्राप्त हो गई है। हमें वृत्त पर दो बराबर जीवाएं बनानी हैं, तो इसके लिए इस जीवा को हम माप लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। इसके लिए स्केल की सहायता से हम मापन कर रहे हैं। ये देखिए, 16.7 सेंटीमीटर की ये जीवा है। इतने ही माप का हम वृत्त पर एक दूसरी जीवा लेते हैं। इसके लिए इसे हम यहाँ से अलग कर देते हैं, ये देखिए, और एक बिंदु लेती हूँ मैं वृत्त की परिधि पर, बिंदु सी, एक तीसरा बिंदु ये ले लिया। बिंदु सी से फिर से 16.7 सेंटीमीटर की दूरी पर देखते हैं वृत्त की परिधि पर कौन सा हमें बिंदु मिल रहा है, वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये 16.7, इसे पिन को थोड़ा सा उठा के ये देख लीजिए, ये देखिए, ये हमने एक बिंदु लिया और यहाँ पर आप देखिए वो कहाँ पे हमें मिल रहा है। ये देखिए, ये जो है ये बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है। तो बिंदु डी यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये बिल्कुल उसी माप का हमें एक जीवा फिर से बनानी होगी। तो बिंदु सी से बिंदु डी को मिलाकर हम वापस से एक जीवा बना सकते हैं जो बिल्कुल उसी माप की है जो ए बी का माप है। ये अब हमें इन बराबर जीवाओं से केंद्र पर कोण अंतरित करना है। तो सबसे पहले ये सी डी जीवा हमें मिली हुई है, इसी से हम एक कोण बना लेते हैं केंद्र पर। इसके लिए परंतु हमें यह भी देखना होगा कि केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो बराबर है कि नहीं। इसे चेक करने के लिए हमें चांदे की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले चांदे को भी हम केंद्र में हम लगा देते हैं। ये देखिए, चांदे पर हमने इस तरह से होल किया हुआ है और इसमें हम इसे इस तरह से फंसा कर केंद्र पर लगा देते हैं। तो ये हमने चांदा भी फंसा लिया। अब हमें कोण के मापन में चांदे की सहायता पड़ेगी, तो चांदे की सहायता से करेंगे, उसका उपयोग होगा। तो हमने चांदा फंसा लिया और ये हमने कोण बना लिया सी ओ डी कोण, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार हमें ए बी जीवा द्वारा भी केंद्र पर कोण बनाना है। तो इसके लिए फिर से इसी धागे की सहायता से बिंदु ए पर इसे फंसा लेते हैं और अब कोण बनाने के लिए वापस वही प्रक्रिया। ये देखिए, इसको थोड़ा ऊपर करके हम ये वापस से फंसा सकते हैं। अच्छी तरीके से इसे फंसा लें ताकि मापन में कोई त्रुटि ना हो। इसे बिंदु बी से इस प्रकार अब हमें जो कोण मिल रहा है वो है कोण ए ओ बी। अब यह चेक करना है कि जीवा ए बी द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है और जीवा सी डी द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है, ये समान है या नहीं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमको चांदे को सेट करना होगा। तो ये देखिए, ये इसे मैंने आधार रेखा से मिला लिया
और अब आप इस कोण को देखें कि ये कितने अंश का हमको कोण यहाँ मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार रेखा के साथ ये हम देखेंगे तो ये हो रहा है 47 अंश का कोण दिखाई दे रहा है हमको। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये 47 अंश का कोण हम देख पा रहे हैं। पुनः ए ओ बी का मापन हमें कितना मिला कोण का, 47 अंश। चलिए यही प्रक्रिया दोबारा, ये हमने आधार रेखा मिला ली और अब आप देखिए बिल्कुल समान माप हमें दिखाई दे रहा है, 47 अंश का हमको कोण यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमने देखा कि बराबर जीवाओं ने केंद्र पर बराबर कोण अंतरित किया। इसे हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि वृत्त पर यदि दो जीवाएं हों जो केंद्र पर बराबर कोण बना रही हों, उनका माप सदैव समान होगा। बच्चों, हमने अभी वृत्त के इस गुणधर्म का प्रायोगिक सत्यापन देखा। जब हम इसे प्रयोगों द्वारा कर रहे थे तो हमारे अंदर इस गुणधर्म की अच्छी समझ बनी। बिल्कुल इसी प्रकार अपने दैनिक जीवन में जब हम गणित का व्यवहारिक उपयोग करते हैं तो हम उसे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, परंतु किसी भी गणितीय कथन को सही हम तभी मानते हैं जब हम उसको तार्किक रूप से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए वृत्त के इस गुणधर्म को हम तार्किक रूप से सिद्ध करते हैं।